दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन उस महामारी की बात करते हैं जिससे पूरा देश जूझ रहा है, चीन भी जूझ रहा है और ये वैश्विक महामारी बन गई है। दोस्तों इसकी बात करते हैं। आपका अपना इंजीनियर पीसी मीना घोष राणा आपको कुछ कोरोना के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि जिससे अपन अज्ञात हैं, ठीक है, अपन को पता नहीं। तो कोरोना COVID-19 क्या है दोस्तों? ये दिसंबर के प्रथम सप्ताह में वुहान शहर चीन से फैला। कहां से फैला दोस्तों? दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही पता चल गया था कोरोना का। वुहान शहर है चीन में, वहां से फैला। और दोस्तों उस लैब में कोई कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं चमगादड़ के मांस या सूप से। वहां पे एक मार्केट लगता है, मंडी, मांस मंडी लगती है। कोई कह रहा है उस मांस मंडी में चमगादड़ के सूप या इससे फैला है, परंतु दोस्तों फूड मार्केट लगता है जिसमें मांस मिलता है। कोई कह रहा है मछली के मांस से फैला है, तो कुछ लोग कह रहे हैं चमगादड़ का मांस या सूप पीने से फूड मंडी से फैला है। परंतु दोस्तों कोई बोल रहा है चीन में लैब में रिसर्च करते समय, जब डॉक्टर चीन के लैब में रिसर्च कर रहे थे तो चमगादड़ उसमें लैब में रहते हैं, चमगादड़ जानवरों को रिसर्च के लिए रखा जाता है, तो वहां पे चमगादड़ ने डॉक्टर पर हमला किया। रिसर्च लैब में जो आदमी था उस पर हमला किया, तो उसके खून में चमगादड़ का खून मिल गया, इसलिए ये कोरोना वायरस फैला है, उसके अटैक से फैला है, चमगादड़ से अटैक से। कोई कह रहा है चीन ने ये केमिकल हथियार बनाया था दुनिया को तबाह करने के लिए, वहां से फैला है। तो दोस्तों ये दो तीन तथ्य हैं, अभी इनमें सत्य तथ्य क्या है इसका अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि ये लैब में रिसर्च करते समय फैला है, ये सत्य बात है, और ये चीन का केमिकल हथियार था और देशों को नष्ट करने के लिए। परंतु ये चीन के वुहान शहर को ही भारी पड़ गया, वुहान शहर को आज वीरान बना दिया, वहां सड़कों पर कोई नजर नहीं आता है दोस्तों। तो डॉक्टर लिम ने दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जब ये फैला था, तो डॉक्टर लिम ने वहां रिसर्च लैब में डॉक्टर लिम थे, उन्होंने सरकार को सूचना दे दी थी फेसबुक ट्विटर के जरिए, परंतु सरकार ने उसी को नोटिस थमा दिया कि आप क्या कर रहे हो, आप अफवाह फैला रहे हो, ये फैला रहे हो, इसको नोटिस थमा दिया, आप इससे जवाब मांगा गया। फिर दोस्तों 31 जनवरी को ये पॉजिटिव हो गए थे, डॉक्टर साहब भी कोरोना पॉजिटिव से ग्रसित हो गए थे, कोरोना से ग्रसित हो गए थे। और दोस्तों 7 फरवरी की रात को 2:58 पर भुखार में कब से इनकी मौत हो गई, ऐसा वहां चीनी अखबारों में छापा गया, डॉक्टर लिम की मौत भुखार में कब से हो गई। परंतु चीन की जनता ने ये माना डॉक्टर लिम को पनिशमेंट दिया गया, वो झूठी अफवाह फैला रहा था। इस तरह पब्लिक को अभी भी अनभिज्ञ रखा गया दोस्तों। 7 फरवरी के बाद जैसे जैसे समय बीता, पेशेंट बढ़ते गए, तो चीन का वुहान शहर में 1 लाख जब मरीज हो गए दोस्तों, तब जाके जो चीन की सरकार है उसने WHO को बताया दोस्तों, और WHO को बताया तब ये जाके वैश्विक महामारी बनी। धीरे धीरे ये सभी देशों में फैल गया। आज की स्थिति है दोस्तों 180 या 185 के आसपास जो देश है उनमें फैला हुआ है, और बहुत ही सघन स्थिति है दोस्तों। अमेरिका वहां पर डे 1100% पॉजिटिव आ रहे हैं दोस्तों, और अभी भारत में कंट्रोल में है, परंतु भारत में भी बहुत ज्यादा फैल गया है दोस्तों। जिस दिन 22 मार्च को भारत बंद था, भारत कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू के नाम से मोदी जी ने लगाया था, उस दिन करीबन 100-150-200% थे। आज भारत की स्थिति 31 मार्च 2020 की भारत की स्थिति है, पॉजिटिव केस 1445 हो गए हैं दोस्तों। भारत में पॉजिटिव केस 1445 हो गए हैं, 53 मौतें हो चुकी हैं दोस्तों भारत में, 53 मौतें पर डे, 150 से 200 पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं दोस्तों, 53 मौतें हो गई है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 96 पॉजिटिव मामले मिले हैं दोस्तों। राजस्थान में कितने पॉजिटिव मामले मिले हैं? 96 पॉजिटिव मामले आज तक 31 मार्च 2012 तक मिले हैं, 96, और एक की मौत हो गई है दोस्तों, और ये भयानक रूप धारण कर रहा है दोस्तों। 22 मार्च के दिन राजस्थान में 7 पॉजिटिव थे, अब धीरे धीरे 96 हो गए हैं दोस्तों, पर डे 17 मामले, 10 मामले ऐसे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत भयानक बीमारी है, इसमें इसका बचाव के तरीके क्या है अभी बात करते हैं अपन, और ये कहां कितने दिन जिंदा रहता है दोस्तों। इसके बचाव के जो नियम है वो यही है कि तो फिजिकली गैप मेंटेन करें, किसी के घर नहीं जाएं, अपने घर में रहें, बहुत ही अत्यधिक आवश्यक
वर्क हो तो घर से बाहर जाएं दोस्तों, खांसते छींकते समय मास्क लगा के छींकें या अपनी भी कोहनी यूज लें, जिससे कि अपने जो कण है बाहर निकल जाए और लोगों से दूरी बना के चलें और घर पे ही रहें। सूखी खांसी, तेज बुखार, अत्यधिक पसीने आ रहे हैं बुखार में, तेज बुखार चल रहा है, सूखी खांसी हो रही है, तो ये इसके लक्षण है दोस्तों। अत्यधिक बुखार आने से, जुकाम होने से, सूखी खांसी आने से ये लक्षण है। अब बात करते हैं कहाँ किस वस्तु पे कितने दिन कोरोना जिंदा रहता है दोस्तों, कहाँ कितने दिन जिंदा रहता है कोरोना, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो अपन डेली लाइफ में कंप्यूटर कीबोर्ड यूज कर रहे हैं ऑफिसों में, तो कंप्यूटर कीबोर्ड में 24 घंटे जिंदा रहता है दोस्तों कोरोना पॉजिटिव। अब टच करके गया है अब शाम को 6 बजे, तो कल शाम को 6 बजे तक कोरोना का संक्रमण उस कीबोर्ड के अंदर रहेगा दोस्तों। प्लास्टिक थैली, अपन बाजार जा रहे हैं, मैं तो बहुत दूर से सब्जी खरीदी है, मैं तो किसी को कहता ही नहीं, अगर दुकानदार कोरोना पॉजिटिव है तो उस थैली पे 3 दिन तक कोरोना संक्रमण के लक्षण रहेंगे दोस्तों। स्टेनलेस स्टील, जैसे अपन ने कोई बर्तन खरीदा है तो बर्तन वाला दुकानदार अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उस बर्तन पर 3 दिन तक अपने कोरोना लक्षण रहेंगे दोस्तों। हवा की बात करें, अपन कह रहे हैं नहीं कोई नहीं है, मैं तो गाँव में होके जाऊंगा, मैं तो ऐसी जगह होके जाऊंगा रोड पे, कोई नहीं मिलेगा मुझे, कहाँ से कोरोना लगेगा, तो दोस्तों उस रोड से अर्थात हवा में भी 3 घंटे कोरोना संक्रमण जिंदा रहता है दोस्तों। तो हवा में भी अनगम नहीं घूमे बाहर भी, और कॉपर में दोस्तों 4 घंटे कोरोना का संक्रमण जिंदा रहता है दोस्तों। पॉलीथीन में 16 घंटे रहता है दोस्तों, पॉलीथीन में कोरोना का संक्रमण 16 घंटे तक जिंदा रहता है, और शीशे गूगल्स पर 4 दिन तक जिंदा रहता है दोस्तों, रबड़ पर कोरोना का संक्रमण 8 दिन तक रहता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के अपने घर में रहें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर जाएं और इसको अफवाह नहीं बनाएं। गांव में लोग कह रहे हैं फसल की कटाई हो रही है, ये तो अफवाह है, अफवाह कुछ नहीं है, बहुत भयानक बीमारी है दोस्तों। इटली और अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इतने संपन्न देश हैं, वो हिम्मत हार गए हैं, तो अपन तो क्या है दोस्तों। तो इसलिए घर पे ही रहें प्लीज़।